सहगन रघुनाथ नितम तांग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितास ओम ज्ञान चंद्रमस्त ज्ञानांजलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सर्वमूर्तये श्रीमहति श्रीरूप सिद्धान्ते ब्रह्मवैष्णवमहात्मने शास्त्रयुक्तितपस्तत्र विप्रतिपतिनाशिने श्रीसारसतगौर्याधीश सेवाप्रकाशिने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्ष औदार्यमाधुर्यगुणैस्वयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमः नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानं केशवार्य नामिने अतिमर्दचरित्राय स्वासृतानं च पालिने जीवदुःखे सदात्राय प्रियां प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने दैताय कृपाद्वये कृष्णा समर्थ विज्ञान दायिने प्रभुये नमः माधुर्योजुल ब्रह्माढ्य त्रिरूपानुगभक्त गौरवरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगभृद्धाग सिद्धान्तधर्मकहारिणि नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्पदे पादाम्बुजाय नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुभवरायते गौरवाविभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णवसर्वोक्षणी जगन्नाथाय ते नमः जयताम्रश्रुतरूपं गौरमम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुज श्रीराधामदनमवनौ दिव्यदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधासुलभगुणदेवो पृष्ठलिभिर्भगवान् स्मरा श्रीमानरासरसारम्भे वंशिवतटस्थित कर्षणवेणुसनिर्वपि गोपीनाथ श्रियस्तु वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौरभक्त वृंद बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे दवनल सहम संसार दहने दग्ध जीव कुल उभर कारण
Thank you.
Thank you.
Oh,
Yeah.
साक्षात भगवत परिणितम न वही विदुर ऋषयो ना विदेवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतनु विद्याधर चरणादय। कद जो धर्म तो साक्षात भगवत परिणितम, जो धर्म ही साक्षात भगवान के द्वारा ही ये प्रणित हुआ है, भगवत भगवान के द्वारा ही ये बनाया गया धर्म ही। ये धर्म तो इतना गुह्य है, बोले ना वही विदुह ऋषयो,
कि जिस विषय में ऋषि लोग भी जिस धर्म तत्व को नहीं जानते हैं, नापी देवा के देवता लोग भी जो धर्म तत्व को देव लोग भी नहीं जानते हैं, न सिद्ध मुख्या जिसको सिद्ध लोग भी नहीं जानते हैं। बोले फिर असुरा मनुष्य कहते असुर और मनुष्य लोग कैसे ये चीज को समझ सकते हैं। इसलिए विद्याधर चरण आदि विद्याधर चरण आदि भी जिस धर्म तत्व को नहीं जानते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं फिर उस धर्म तत्व को कौन कौन जानते हैं। बोले स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वय कहते केवल ये 12 व्यक्ति ये धर्म तत्व के विषय में ये 12 व्यक्ति ही जानते हैं। इसलिए बोले द्वादश सैति बीजानीम धर्म भागवतम भट्टा गुह्यम विशुद्ध दुर्बध्यम जम ज्ञान्त्वा मृतमश्नुते के द्वादश सैते बीजानीम कहते जो द्वादश महाजन हैं विशेष पूर्वक ये धर्म को जानते हैं, ये भागवत धर्म को जानते हैं। कहते ये जो भागवत धर्म बोले गुह्यम ये अत्यंत ये भागवत धर्म गोपनीय है। कहते विशुद्धम ये भागवत धर्म अत्यंत पवित्र है। बोले दुर्बोध्यम ये भागवत धर्म अत्यंत दुर्बोध्य दुर्बोध्य मतलब जिसको जानना बहुत ही कठिन। इसलिए कहते धर्म से तत्व निहित गुहायाम जो धर्म तत्व है ये अत्यंत गोपनीय है। कहते महाजन जैन गत सपन्ता पथ एक ही है, महाजन लोग जिस रास्ता में गए हैं। कहते द्वादश महाजन हैं। कहते अगर ये धर्म को कोई जान ले तो उसको लाभ क्या। बोले जम ज्ञातम मृतम अश्नुते कहते धर्म को अगर सही सही कोई जान लिया तो कहते मृतम अश्नुते उसको क्या होगा, वो जीवन में अमृतत्व को प्राप्त करता है। जीवन में अमृत अमरत्व को आनंद को जीव प्राप्त करता है। जब यहाँ कहते अगर कोई तभी सुना चुके ठाकुर इसको पर टीका में लिखते हैं। बोले यदि बोले ने कह ही यदि धर्म तत्व तो ना जाने अगर यहाँ प्रश्न होता है आप कह रहे हो ये बड़े दुर्भद्य गुह्य है इसको जानना बड़ा कठिन है। अगर इस धर्म को कोई नहीं जानते हैं तो फिर उसका अस्तित्व का प्रमाण क्या है, फिर उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा। कोई प्रमाण है जो धर्म तत्व को जानते हैं। ताहते बोली थे चैन तभी ये बोल रहे हैं। बोले हाँ जानते हैं। बोले कौन जानते हैं, ये जो द्वादश महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मुनि जो 12 व्यक्ति है ये धर्म तत्व को बीजानियम विशेष रूप में ये धर्म तत्व को जानते हैं। किंतु निज कृत स्मृति शास्त्र समूह हो स्पष्ट करिया बोले नहीं। लेकिन जो स्मृति शास्त्र में कभी ये धर्म को स्पष्ट रूप में बोला नहीं है इसका तात्पर्य यही है। बोले क्यों नहीं बोला, कारण क्या। बोले कारण है ये जो धर्म तत्व ये अत्यंत गोपनीय ये गोपनीय धर्म को इसको आवृत करके इसको छुपा करके रखे। इसलिए जैसे श्री कपिल देव अपना माँ को ये ज्ञान दिया, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया, देकर क्या बोले, बोले ये ज्ञान सबको नहीं देना, मना कर दिया, ये ज्ञान सबको बोलना नहीं, मना कर दिया है, मना कर दिया है। इसलिए कहते गीता में इसका प्रमाण क्या। बोले गीता में, बोले क्या, बोले राज विद्या। गीता में जिसको राज विद्या कहते हैं, राज गुह्य कहते हैं, एक राज विद्या भी कहते हैं, एक राज गुह्य भी कहते हैं। इसमें इसी अध्याय में क्या कहते हैं, बोले सर्व गुह्यतम भूय श्रेणुमें परमं वच। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभी तुमको मैंने गोपनीय बात बता चुका हूँ, गोपनीयतर बात बता चुका हूँ और गोपनीयतम गोपनीय में भी गोपनीय बात तेरे को बता चुका हूँ। लेकिन तू मेरे सखा हो, अभी जो बात कह रहा हूँ सर्व गुह्यतम ये सारी गोपनीय बात में भी जो सबसे बड़ा जो गोपनीय बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, जितने गोपनीय में भी गोपनीय बात बता रहा हूँ। तब भगवान ने क्या बताया, बोले इसका श्रवण करो। बोले क्या, बोले मनमना भव
अपना मन को मेरे को दे दो। मत भक्त भव, अगर भक्त बनना तो किसका बनना? मेरा भक्त। माम जाजी, अगर पूजा करना तो किसको करना? मेरी मेरी। माम नमस्कुरु, अगर प्रणाम करना तो किसको करना? मुझे करना। करने से क्या? बोले माम एससी, तुमको प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। बोले तेरे को पाने से क्या होगा? बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने पर जीव को भी वहाँ से वापस नहीं आते हैं। शाश्वत नित्य आनंद, वहाँ पर मेरे धाम को तुम प्राप्त करोगे। हैं कदी क्या विद्या? बोले सर्व गुणोत्तम विद्या, ये राजगृह राज विद्या है। हैं कहते विशुद्धम गुणातीतम, कहते ज्ञान कैसे है? कहते विशुद्ध, ये गुण से सत्व रजतम, ये तीन गुण से अतीत। सगुणम स्मृति शास्त्रेषु भक्तोर महत्वात् दुर्बध्यम कर्मी भी अर्थवादिधि दोष कलिलांत करणैर दुर्गेयत्वात्। कहते ये जो विद्या है ये कर्मी के लिए हैं, कहते ये सभी जितने लोगों के लिए ये अत्यंत अत्यंत दुर्बध्य है, जिस तत्व को जानना बड़ा ही कठिन है। तब उसको बाद में एक श्लोक कहते हैं, ये श्लोक अच्छा श्लोक है। बोले एता वानैव लोकस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृत भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादि। ये जब महाराज स्वयं कर रहे हैं, कहते एता वानैव लोकस्मिन्, कहते इसी लोक में पुंसाम धर्म परस्मृत, कहते जो पुरुष मात्रा को जो धर्म, जो श्रेष्ठ तो धर्म है क्या है? बोले भक्ति योग भगवती। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है इस लोक में? कहते भक्ति योग भगवती, भगवान में भक्ति करना ही, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुरुष का। न पुंसाम धर्म परस्मृत, ये सर्वश्रेष्ठ है। बोले धर्म में जो भगवत धर्म किया है, बोले तन्नाम ग्रहणादि भी, जितना भक्ति के अंग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग किया है, तन्नाम ग्रहणादि भी, उनका नाम ग्रहण करना। अगर कोई भगवान का नाम ग्रहण कर लिया ना, ये समझो सारे वेद पुराण उपनिषद इतिहास सब उसने पढ़ लिया है, सारे ग्रंथ पढ़ लिया। लेकिन अगर सारे ग्रंथ पढ़ करके भगवान के नाम में रुचि नहीं हुआ, समझो सारे पढ़ना बेकार है। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ भी तुम नहीं पढ़े हो, हमारे बहुत सारे गोस्वामी अनपढ़ थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे वो अनपढ़ है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हरिदास ठाकुर, श्रीधर, वो अनपढ़ थे, लेकिन दिन रात क्या करते थे? भगवान को भक्ति करते थे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी श्लोक ऊपर विश्वनाथ को टीका में लिखते हैं, इस श्लोक ऊपर क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर जमदूत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहते हम तो आपका सेवक है, जमदूत जब महाराज कह रहे हैं हम तो आपका सेवक है, तो फिर तो आप बता रहे हो धर्म तत्व अत्यंत गोपनीय, अत्यंत दुर्बोध्य, जिसको समझना बड़ा कठिन है, ये बड़े गोपनीय धर्म है, फिर तो हम लोग तुम्हारा सेवक है, फिर हम लोगों को शिक्षा नहीं देंगे तो फिर आपको पता कहीं चलेगा? इसलिए आप कृपा करके हम लोगों को आप शिक्षा दो। जब महाराज को जमदूत कह रहे हैं हमें शिक्षा दो, हैं उद्धार करो। जब बोले ये बात को तभी एता वाने को लोकस्मिन, तभी ये श्लोक को बता रहे हैं। बोले एता वाने वा, इसका मतलब है कि धर्म तत्व के ऊपर में है विभिन्न तरह तरह का मतभेद। कहते ना नासो मुनि जस्य मतम न भिन्न, ऐसे कोई मुनि नहीं जिसका मत अलग नहीं है, सबका अलग 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 मत है सबका। लेकिन होने पर भी कहते वास्तव पक्ष में बोले सही सही रूप में है, कहते यहा ही धर्म। बोले कौन सा धर्म? बोले भक्ति योग, जितने धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है, धर्म परस्मृत, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म किया बोले भक्ति है। पर माने सर्वश्रेष्ठ, माने विशेष रूप में उक्त है, याचे विशेष पूर्वक ये बात को बताया। बोले क्या विशेष पूर्वक बताया?
नाम ग्रहण आदि भी नाम ग्रहण के द्वारा ही भगवान की नाम संकीर्तन के द्वारा ही एतत एव भक्ति योग श्रीमद् भागवत शास्त्र अभिधेय तो इसलिए है शास्त्र में भक्ति योग कोई सर्वश्रेष्ठ नाम ग्रहण कोई सर्वश्रेष्ठ बताया। बोले और कोई प्रमाण है? बोले हाँ। बोले कहाँ पर? बोले श्रीमद् भागवत शास्त्र में जहाँ पर मंगलाचरण का जो तीन श्लोक है, हैं पहला श्लोक क्या है? संबंध। दूसरा श्लोक अभिधेय। तीसरा श्लोक प्रयोजन। संबंध अभिधेय प्रयोजन। कहते जो अभिधेय जो है जो श्लोक है हैं कहते को उसमें क्या बताया है? बोले धर्म अप्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत सरणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र सीवदम तापत्रयोन्मीलन। इसलिए वहां पर भी बताए धर्म प्रजीत कैतवत्र कहते भागवत से संपूर्ण जो कपटता धर्म को निकाल दिया। कपटता किया बोले धर्म अर्थ काम ये जो तीन वर्ग है पैसा कमाओ उसका तरह अर्थ उपार्जन करो उसके बाद में क्या करो धर्म काम स्वर्ग में देवता रूप में जा करके फिर उस स्वर्ग में भोग करो फिर भोग खाते फिर खत्म हो गए फिर इसी जगत में आओ। कहते ये जितने सारे धर्म यहाँ तक मुक्ति को भी जिससे संपूर्ण रूप में मुक्ति जो उसको भी प्रोजित संपूर्ण रूप में उसको निकाल दिया। बोले क्यों? कहते ये कैतव है ये सबके सब कपटता धर्म है इसमें जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास लेकिन उसमें भगवान की जो नित्य दास तो की बात है नहीं भगवान की सेवा की बात नहीं केवल उसने अपना भोग की बात। कहते मोक्ष भी एक तरह का कपट है। बोले क्यों? संसार से क्यों मुक्ति होना चाहते? बोले संसार में बड़ा दुख कष्ट है इसलिए मुक्ति हो जाएंगे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी इसलिए बांस रहेगी नहीं बांसुरी बजेगी नहीं। बोले जन्म होता होगा ही नहीं फिर जगत में दुख कष्ट होगा नहीं लेकिन उसमें भगवान का क्या मतलब है? उसमें भगवान की उसमें भगवान की सेवा कुछ है क्या? बोले भगवान सेवा की जरूरत नहीं इसलिए उसको कपट बताया क्योंकि जो जीव का जो स्वरूप भगवान का दास हो तो करना अगर भगवान की सेवा छोड़ दिया तो कपट है। तुम अपना सुख चाह रहे हो भगवान का सुख नहीं चाह रहे लेकिन भक्त लोग क्या चाहते हैं? भक्त लोग क्या चाहते हैं? पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग वाली रहे तब भक्ति रहो भक्ति बिन हृदय। इसलिए भक्त लोग कहते हैं प्रभु अगर पशु पक्षी होए ताकि अगर पशु पक्षी अगर कीड़े मकोड़े बनकर के रहे स्वर्ग बाद निराय में लेकिन जैसे तुम्हारी सेवा करते रहे तुम्हारी सेवा करते रहे प्रभु तब पद झुके मोर निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु हम कुछ नहीं चाहते क्या है क्या चाहते हो हा? उसके बाद में नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए हमें मोक्ष न चाहिए नात्मा की प्रार्थना को न विभूति लागे हमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए हैं रिद्धि सिद्धि निज कर्म गुण दस्य जे जे जन्म पाई जन्म जन्म जन तब नाम गुण गाय हैं। इसलिए अपना निज कर्म दोष से भले ही जिस जीवन में क्यों नहीं जाए इसलिए जैसे आपका नाम कीर्तन आपकी सेवा हमें और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं ये भक्तों की ये प्रार्थना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कतबले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसलिए भागवत सबई पुंसांग पुरुष का निश्चित रूप में यही धर्म है क्या जत भक्ति रधोक्षजे भगवान की चरण में अध्यक्ष चरण में भक्ति है। इसलिए जत भक्ति अध्यक्ष अहेतु की भक्ति कैसे हो जिसमें कोई हेतु नहीं हो और अप्रतिहता उसमें कोई बाधा कंटिन्यू है। जय आत्मा संप्रसिद्धति जिसको द्वारा आत्मा संपूर्ण रूप में शांति प्राप्ति होता है शांति मिलता है। जत भक्ति अध्यक्ष जे भगवान के चरण में हमारी भक्ति रहो। इसलिए हे भक्तगण नाम महत्व देखो जब महाराज कह रहे हैं किसको दूतों को देखो भगवान के नाम में कितने महिमा क्या महिमा उन्होंने पुत्र के लिए बुलाया लेकिन केवल नामाभास से ही
उसको क्या हो गया, मृत्यु पास से मुक्त होकर के उसने मुक्त प्राप्त मुक्ति प्राप्त कर लिया। कल नाम की आभास, भगवान का शुद्ध नाम नहीं, केवल इसका आभास से हो गया है। उसका आभास जैसे सूर्य उदय होने पर उसका आभास से ही पहले पूरा अंधकार खत्म हो जाती है, कहते उसी तरह केवल उसका आभास से ही अगर शुद्ध नाम करेगा तो क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा श्लोक कह रहे हैं, बोले एता बताल मघनीर बहनाय पुंसाम संकीर्तनम भगवत गुण कर्मणाम नाम विकृष्यम पुत्र अघमान जत जात अजामिल नारायण तिम्रियमान इयाय मुक्ति। ये श्लोक में भगवत नाम का कितना महिमा इसमें बता रहे, कितने महिमा बता रहे हैं भगवत नाम की हैं। कहते यहाँ पर कहते हैं अगर कोई बोले प्रभुर नाम गुण कर्म सम्यक कीर्तन ऐजे जीवर परम पाप हरण उपयोगिता नहीं। अगर कोई बोले देखो तभी तुम्हारी पाप होगा जब पूरा शुद्ध नाम को उच्चारण करोगे तभी जाकर क्या होगा तुम्हारे सारे पाप नष्ट होगा। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, संपूर्ण प्योर नाम बोलोगे अगर नहीं ऐसे भी नहीं। फिर कहते निरपराध तदीय नाम गुणादि असम्यक उच्चारण नामा भाषा ही पाप हरण या था कि। बोले अगर कोई बोले पूरा संपूर्ण निरपराधी होकर के उनका नाम गुण को अगर करोगे तब भी कल्याण होगा, बोले ये भी नहीं। कहते असम्यक, असम्यक मतलब संपूर्ण रूप में नहीं, उच्चारण व नामा भाष में ही क्या हो जाता है सारे पाप नष्ट हो जाता है। कहते इसका दृष्टांत क्या है, इसका दृष्टांत श्री अजामिल, इसका दृष्टांत देखो यहाँ पर क्या कहते हैं। कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको टीका में कहते हैं एक बार नाम करे नामा भाष्य की उधार हवे। अगर एक बार किसी ने नाम ले लिया केवल नामा भाष में क्या उधार हो जाएगा, बोले तन्नाम ग्रहणादि माने अन्य अंग जाजने, और भी तो बहुत सारी अंग है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और भी बहुत सारी भक्ति का अंग, बोले क्या उसको करने का जरूरत नहीं, केवल नाम थोड़ी सी ले लिया हो गया नाम से हाँ हो जाएगा। बोले हाँ हो जाएगा, भगवान का नाम उसमें हो जाएगा। देखो इसमें कितना उदाहरण दिया है, बोले विकृष्यम इसका मतलब क्या, यहाँ पर कह रहे जब अजामिल ने नाम लिया जैसे हम सुस्त रूप में बैठे करके जैसे भगवान का नाम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे हम एकदम अच्छे तरह से बैठ करके एकदम मन लगा करके भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण देते हैं अजामिल ऐसे क्या नाम किया था नहीं, उन्हें देखा तीन जमदूत आए और उसको गले में काल फास को लगाया और उसको आत्मा को खींचते हुए ले जा रहे थे, इसलिए उसी समय उसने जो नाम उच्चारण किया ना चित्कार करके दूर में अपना बेटे को देख लिया, बेटा नारायण चित्कार करते हुए डरते हुए उसको ले जा रहे थे कैच करके, इसलिए कहते बिक्रुस चित्कार करके सम्यक रूप में कीर्तन उन्होंने नहीं किया है, अच्छे तरह से कीर्तन नहीं किया चित्कार करते हुए। दूसरा बोले नारायण है, नारायण मतलब उन्होंने क्या भगवान को बुलाया था, किसको बुलाया था, अपना बेटे को, अपने बेटे को भगवान को नहीं बुलाया, अपना बेटे को बुलाया नारायण आह्वान करिया भगवान को नहीं। तीसरा बोले अघवान, बोले अघवान मतलब क्या है, जैसे हम लोग सबर क्या करते हैं नहा धो करके तिलक करते हैं ऐसे जब आनी करते अच्छे आसन बिछा करके हैं, पहले गंगे से जमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी करते कि नहीं, जल अश्मिन सन्धि गुरु अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतो विवाज स्मरे पंडित काख्यम सवाई करके, फिर आज तीन बार पानी पर सर पर छिड़काते हैं, फिर माधवाय नम केशवाय नम नारायण नम, उसके बाद में ललाट केशवाय नम उदय नारायण बख्य माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार्श्व विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामनाय श्रद्धा ऋषिकेश दामोदर पद्मनाभ वासुदेव करके, फिर हम जाकर के अपना गुरु मंत्र जप करते, नियम है ना
हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं उसने जिस समय प्रभु का नाम लिया, किस समय में, जिस समय जमदूत गला में काल पास लगाया उसमें टाटी पेशाब कर रहा था, इसलिए यहाँ कहते हैं मरते समय ना पता चल जाता है ये कहाँ गया है। अगर मरते समय अगर किसी ने टाटी पेशाब करते हुए मरा समझे सीधा नरक गया है, सीधा नरक गया। क्यों? जो पाप कर्म करते हैं जमदूत उसको मार मार कर ले जाते हैं, हैं? तो भगवान से वायदा करके आया था भजन करने के लिए, भजन किया कि नहीं, भजन भजन तो कुछ किया ही नहीं है, इसलिए उसको मार पीट करके ले जाते, इसलिए टाटी पेशाब डर से वो टाटी पेशाब कर देता है। लेकिन जिस समय इसने जिस समय भगवान का नाम लिया, बोले अगवाल, अगवाल मतलब होता है असुचि अवस्था में, पवित्र अवस्था में नहीं है, सुचि नहीं असुचि अवस्था में नाम ग्रहण किया है। उसको बाद में बोले अजामिल अपि, ये कौन है, ये कौन है अजामिल, अजामिल मतलब क्या, अजा मतलब होता है माया है, कहते अजामिल अपि ये अति प्रसिद्ध महापातकी, कहते पातकी अति पातकी और महापातकी, हाँ पाप मतलब छोटी पाप बड़े पाप और सबसे बड़ा पापी, कहते सबसे बड़ा पापी क्योंकि उसने तो अपना ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना ब्राह्मणी से शादी किया, ब्राह्मणी को त्याग दे दिया है, फिर एक शूद्राणी एक वेश्या प्रति आसक्त रहे, उसको साथ में रहे, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया है, फिर क्या क्या दस दस बच्चे हुए, अभी लालन पालन करने के लिए अभी उसने क्या किया, सारे पाप कर्म किया, पाप को दरअसल अर्थ कमाया। इसलिए यहाँ पर कहते अजामिल अपि अति प्रसिद्ध महापातकी, पातकी नहीं अति पातकी महापातकी, सबसे बड़ा पापी, इसलिए बोले अजामिल अपि बोले म्रियमाण है, म्रियमाण मतलब क्या है, जैसे सुस्त चित्त में नहीं, जब भगवान का नाम को उसने उच्चारण किया सुस्त चित्त में नहीं, मन को सूर करके नहीं, मरते समय विवश होकर के कोई उपाय है नहीं है, इसलिए अपना बेटे को हटा तो उसने अपना बेटे को बुला दिया, बोले म्रियमाण अपि मरने दुखत विवश होकर के सुस्त चित्त में नहीं असुस्त चित्त में उन्होंने भगवान का नाम को उच्चारण किया, हरे कृष्ण आगमन, इसलिए जो बोलते हैं ना बाद में कथा सुन ले जाकर लिख लेंगे, इसलिए उनको नींद आ जाती है, तू जानते ना रिकॉर्डिंग हो रही है उधर जाकर लिख लेंगे, लिखा करो तब तो नींद नहीं आई, हाँ इसलिए कहते कि ये कहते सुस्त चित्त में नहीं, इसलिए असुस्थ चित्त में, अस्वस्थ चित्त में उसने नाम को क्रिया, कहते मुक्तिम याय है, मुक्तिम याय मतलब क्या, कहते हैं अगर कोई बोले उसको मुक्ति प्राप्त हुई ऐसे करके भी भगवत नाम से उसको मुक्ति प्राप्त हुई, केवल पाप खय नहीं, केवल जो उसको पाप खय हो गया ये बात नहीं, केवल उसका पाप खय हो गया ये बात नहीं, उसको क्या हो गया मुक्ति पद को प्राप्त, उसने मुक्ति पद को उसने प्राप्त किया। यहाँ पर विश्वनाथ सिंह ठाकुर कह रहे हैं मतलब भगवान का नाम में कितने, शक्ति ठाकुर जी का नाम में, तब यहाँ जब महाराज कहते जब विष्णु दूतन जब महाराज से बात बताए, विष्णु दूतन ने कहा भैया अभी आप एक चार्ट बना दो कम से कम, हाँ किसको किसको लाना किसको किसको नहीं लाना एक चार्ट बना दो, नहीं तो क्या होगा जिसको तिसको पास में जाएगी फिर तुझे पिटाई खाए, मार खाना पड़ा फिर मार खाना पड़ेगा फिर, इसलिए आप एक लिस्ट बना दो किसको किसको लाए और किसको किसको नहीं लाए, फिर तो उसको चिन्ह देख करके फिर हम काम करेंगे सही सही। देखो उन्होंने एक चिटा बना दिया, लो पकड़ दिया इसको देख लो, बोले क्या है, बोले ताम अनधम असतम विमुखान मुकुंद पदार बिंद मकरंद रसारसाद अजस्रम निष्किंचन परमहंस कुलई रसंगई जुष्टाद गृह निरय वर्तनि बद्ध तृष्णा। यहाँ पर चिता कर बैठो, इसलिए लिखो, लिखते समय फिर नींद नहीं आएगी, नहीं लिखोगे तो नींद सोओ, इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले तान अनधम असतम, बोले ऐसे ऐसे दुष्टों को पकड़ पकड़ करके ले आना, बोले किसको मतलब विमुखान मुकुंदम, जो लोग भगवान से विमुख लोग हैं हैं उनको पकड़ पकड़ करके उनको ले आओगे, उनको पकड़ पकड़ करके हैं, लेकिन असत व्यक्ति
ऐसे जो असत व्यक्ति विमुख है उनको ले आना। कहते वो लोग कैसे है, बोले नरक का द्वार स्वरूप गृह ही एकांत आसक्त के आनन्य करीबे। कहते ये जो संसार को घर को बताया ये क्या है, कहते नरक का द्वार है एकांत आश्रय। ये क्या करते हैं दिन भर, क्या करते हैं बीबी बेटा पति नाती घर में हल्दी नमक है कि नहीं, सारा दिन देखना दिमाग उसमें, सवेरे उठते ही क्या याद आता है घर में हल्दी क्या नमक है क्या सब्जी है क्या टमाटर है कि नहीं धनिया पत्ता है कि नहीं है। फिर अपना बेटा बेटी नाती पोती को ही तो याद करते, दुनिया क्या इसको याद और कुछ को याद नहीं करते, दिन भर उसी में ही दिन की मन रमे हुए। लेकिन भक्तों लोगों के लिए नहीं, जो भक्त लोगों का जो संसार है वो भक्ति का संसार है, भगवान का संसार है, क्योंकि उनका सब कुछ जो कुछ घर में बनाते हैं जो कुछ खाते हैं ठाकुर को सेवा के लिए। हम खाना को रसोई बना के तो भोग लगे किसको लगेगा, ठाकुर को भोग लगेगा। भक्त लोग सवेरे उठते हैं क्या सोचते हैं, नहीं आप लोग जैसे आरती में जाएंगे सवेरे से 4 बजे से लेकर तैयार कर रहे हो, आरती में चलो तिलक लगाए अपना गुरु मंत्र जप करेंगे, ठाकुर जी के लिए प्रसाद है कि नहीं है, ठाकुर जी घर में ठाकुर का प्रसाद है कि नहीं। भक्त लोग जो कुछ जो केंद्र कौन है, ठाकुर जी को केंद्र करते हुए सारे काम ठाकुर जी को केंद्र करते हुए कहते हैं, उनकी बात अलग है। यहाँ पर कहते हैं जो ठाकुर जी के बारे में कोई भी सोच विचार नहीं, केवल अपना खाएंगे कैसे, अपना बीवी बच्चों को पालना पालना कैसे करेंगे, इनको कैसे बस इसी इसको यहाँ पर कहते हैं क्या है, बोले नरक का ये द्वार है, गृह अंधकूप मृत गृह गृहांधकूपम, एक अंधकुआ एक नरक का द्वार सदृश ये संसार है। जो लोग इसमें आसक्त चित है उन लोगों को पकड़ पकड़ कर मेरे पास में लाना, लेकिन लाना नहीं किसको, बोले लाना नहीं कुछ मुकुंद पदार बिंद मकरन। जो व्यक्ति मुकुंद मतलब भगवान उनका नाम मुकुंद क्यों नाम पड़ा, मुक्ति ददाति जैव मुकुंद। कहते जो और जिनका कुंद पुष्प जिनकी हसी कुंद फूल जैसे हैं, कहते ऐसे जो भगवान की पदार बिंद का जो मकरंद को, कहते भगवान की जो पदार बिंद का जो मकरंद का जो रस है हैं, ये रस को जो असत संघ द्वारा जो छोड़ दिए, भगवान की चरण को कब चिंता नहीं करते, जो असत संघ हो जाए वो असत संघ में पड़ने पर लारे से बेकार बेकार, क्योंकि दिन भर हरी हरी भगवान भगवान कोई काम धंधा है नहीं है, चलो सिनेमा देखेंगे घूमेंगे अड्डा अड्डा मारेंगे इधर उधर घूमेंगे। कहते असत संग वर्जित, असत संग से ही क्या होता है ये भगवान की भक्ति रस को छोड़ देते हैं है। लेकिन जो लोग निष्किंचन परमहंस कुल, जो निष्किंचन निष्किंचन ही परमहंस कुल, जो निष्किंचन और परमहंस कुल ये क्या करते हैं, ये निरंतर कृष्ण भक्ति रस को पान करते रहते हैं है? पान करते रहते हैं। लेकिन इससे जो विमुख है ऐसे जो असत व्यक्तियों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आया करना, ये एक श्लोक। दूसरा जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण, बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चतश्च न स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति जत सीर एकतापि तान आनयधम असत अकृत विष्णु कृत्या। यहाँ पर कहते जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसको जिह्वा भगवान की नाम गुण को है, जिह्वा न भक्ति भगवत नाम गुण धेयम, भगवान के नाम गुण को जो ध्यान नहीं करते हैं, बोले चेतस स्मरति जत चरणारविंदम, जो हृदय में भगवान की चरणारविंद को जो स्मरण नहीं करते हैं, बोले कृष्णाय नो नमति जत सीर एकदापि, जो एक बार भी ठाकुर जी के चरण में अपना सर को नहीं झुकाते हैं, बोले तान अनयधम, कहते ऐसे ऐसे दुष्टों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आना। बोले विष्णु कृत्यान, जो भगवान के लिए एक बार भी जो ये सब काम नहीं किया, इसका ये सिद्धार्थ है इस सिद्धार्थ है। लेकिन इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, जहाँ कीर्तन स्मरण परायण तहारा साधु शब्द द्वारा कीर्तन अधिकंत कृष्ण एक बार। यहाँ पर कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अधिकंतु श्री कृष्ण एक बार कीर्तन, जो भगवान कृष्ण का एक बार भी ठाकुर का जो कीर्तन किया,
स्मरण आदि है हाय तहरा हाँ तादर स्मरण परायण परायण तहरा और साधु शब्द द्वारा उसको भी भगवान की भक्त जानना, जो एक बार भी भगवान के नाम कीर्तन कर किया है उनको छोड़ करके और सबको ले आना। तो यहाँ पर कहते हैं जिह्वा न भक्ति, इसका मतलब अगर किसने अगर जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम नहीं ले पाया, कहते जिह्वा न भक्ति भगवत को नाम दे, जो जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर जिह्वा के द्वारा नहीं लिया लेकिन अगर भले ही लेकिन चेतस न स्मरति जत चरणारविंद, अरे एक बार अगर जिह्वा नहीं नहीं हुआ एक बार चित्त में तो स्मरण करो हैं, अगर जिह्वा में नहीं कर पाए हैं हृदय में तो एक बार ठाकुर जी को स्मरण करो, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाए बोले कृष्णायन नमति, अरे अगर ये नहीं हुआ एक बार ठाकुर के चरण में शरद में तो झुका सकते हो, एक बार अगर नाम नहीं किया कोई बात नहीं स्मरण, एक बार तो ठाकुर के चरण में अपना सर को तो ठाकुर के चरण में झुका सकते हो हैं, सर को झुका सकते हैं। इसलिए सर्वत्र अन्य प्रबंध एक बार विष्णुगत लोग विष्णु लोग सेवा करें तादस। हाँ फिर यहाँ पर दूसरा अर्थ कहते हैं हैं, दूसरा तो बोलते जन्म होते हाँ एकदा इसमें कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पूरा जन्म को अंदर में है पूरा जन्म को अंदर में अगर कोई भगवान की भजन नहीं किया भाई कोई बात नहीं पूरा जीवन में नहीं किया, लेकिन एक साल में तो अगर वर्ष में जीवन में नहीं किया एक साल में तो एक बार तो ठाकुर का नाम ले सकते हो, बोले वो भी नहीं हुआ बोले दिनेर मध्य एक दिन में एक बार भी तो ठाकुर का नाम ले सकते हो, इसलिए कहते विष्णु कृति एक दिन में अगर एक बार भी जो ठाकुर का नाम को नहीं किया है हाँ ये अपना अपना मत को कह रहे हैं, ये अपना मत को जब महाराज कह रहे अगर नहीं लिया है क्या करना उनको पकड़ पकड़ करके उनको मेरे पास में पकड़ पकड़ कर ले आना मेरे पास में। कहते एक बार विष्णु कृत्य विष्णु कृत्य मतलब विष्णु कौन और सेवा करे, नहीं विष्णु कृत्य मतलब होता है भगवान विष्णु का जो कोई भी सेवा नहीं किया। कहते उन लोग कौन है बोले वो लोग असत अवैष्णव, कहते उनको ही मेरे पास में पकड़ पकड़ करके उनको ही मेरे पास में लेकर के आना है मेरे पास में आना। इसलिए कहते भृत्य अपराध यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो भृत्य का जो अपराध है ये प्रभु का अपराध। जब महाराज कह रहे हैं क्या कह रहे हैं अगर तुम्हारी कोई सेवक है हैं तुम्हारे कोई सेवक है तुम्हारे घर में कोई सेवक रहता है अगर उसने जाकर कहीं गड़बड़ी कर दिया ना, कहते एक अगर फिर उसका अपराध किसको उस मालिक को ऊपर आएगा और तेरे पास में ये रहता है कि कैसे इसने गड़बड़ी किया, जो अंगुल उठाए ना उसको मालिक के ऊपर भी अंगुल उठाएंगे। इसलिए कहते भृत्य का अपराध प्रभु का ही अपराध होता है, इसीलिए अनुसार निज के अपराध ही मन करता जब महाराज समित है प्रणाम। इसलिए जब महाराज बोले हे प्रभु ये मेरे सेवक है मेरे सेवक लोगों ने गलती किया आपके चरण में आपका भक्त के चरण में, इसलिए एक तरह का मेरा ही अपराध है, इसलिए ठाकुर जी आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं हाँ मेरा अपराध को माफ कर देना और हमारे सेवक का अपराध को भी माफ कर देना। ये अज्ञा मूर्ख कुछ जानते नहीं हैं, ये अज्ञा मूर्ख कुछ ये जानते नहीं बोल करके उन्होंने प्रणाम किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान के लिए एक बार भी कोई कुछ करे तो बस जब महाराज बास में उसको जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ध्यान एक कहानी सुन लो फिर चले जाओ। इसलिए कहते प्रभुपाद का एक शिष्य थे ना, जो शिष्य थे वो प्रभुपाद का चरण आश्रय ग्रहण किया। प्रभुपाद मंदिर में ब्रह्मचारी रूप में रहता था, लेकिन कोई एक लड़की थी जो मंदिर में आती थी, वो लड़की ने किया कि उसको फुसला फुसला फसला करके उसको देखा बड़ा सुंदर है ये ब्रह्मचारी, उसको फुसला फसला करके उसको अपना चक्कर में डाल दिया। जब चक्कर में डाल दिया अभी वो भजन कर रहा था ब्रह्मचारी, अभी उसको फुसला में बहक गया हैं, वो सोचा ने बहक गया, जब बहक गया वो सोचा ये सब भक्ति करेगी, लेकिन भक्ति क्या करेगा, उसने भक्ति की ढोंग दिखा करके उसको ले लिया, ले करके उसको साथ में शादी कर लिया। जब शादी कर लिया पहले तो थोड़ी भक्ति की उन्होंने दिखाया, लेकिन कुछ देर बाद में भक्ति कुछ नहीं और वो मांस मछली लड़की और मांस मछली खाने लग गई तो अभी उसने क्या किया
अभी पत्नी जो करेगा अभी पति को भी वो करना पड़ेगा जोर जबरदस्त धीरे 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 धीरे, बस इसको भी वो देखने में सुंदर थी इसको भी धीरे धीरे अपना चक्कर में डाल करके अभी मांस मछली खाना शुरू कर दिया। और जो खले फिर धीरे 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 जो भक्ति थी ना वो सारे भक्ति भक्ति खत्म हो गई, सारे भक्ति भक्ति खत्म हो गई, पूरा घोर विषय हो गया। लेकिन प्रभुपाद से हरिनाम ग्रहण किया था, मंत्र दीक्षा ग्रहण किया था, जनेऊ ग्रहण किया था, सब कुछ ग्रहण किया था, लेकिन धीरे 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 सबके सब उसने परित्याग कर दी। जब परित्याग कर दी अभी वृद्ध हो गया, अभी मरने का समय आया, जब मरने का समय आया इतने उसने प्राण त्याग दी। प्राण त्याग करने पर उसको जमदूत पकड़ करके ले गए, जब पकड़ करके ले गए जब जब महाराज के पास में पहुंचे ना, जब महाराज देख करके चित्कार करने बोले किसको लेकर के आए हो, तुमको पता है किसका शिष्य? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का शिष्य है, इसको हम दंड नहीं दे सकते, जाओ उसको वापस दे करके आओ। लेकिन यहाँ पर तो सर ही छोड़ दिया, अभी उनका पूरा परिवार के लोग आकर के उसको तैयारी कर रहे हैं ले जाएंगे जलाने के लिए। लेकिन हठात उसने बीच में जग गया, हैं हठात बीच में जग गया, जग करके कहते मेरे माला कहाँ है, मेरे माला कहाँ है, मेरे माला कहाँ है। बोले भैया इसको क्या हो गया, ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया, फिर माला कहाँ है। फिर इतने में वो जो लड़की है ना, वो लड़की ने सारी बात बताई। हैं उन्हें क्या बताया, बोले सही बता रहे हैं, पहले ये मंदिर में ब्रह्मचारी रूप में भजन करते थे, मेरे चक्कर में पड़ करके उसने अपना भजन भजन को त्याग दे दिया, त्याग दे करके ये फिर मांस मछली खाना शुरू कर दिया, हैं मांस मछली खाना शुरू कर दिया, ये पहले भजन करते थे मेरी वजह से ये भ्रष्ट हो गया है। हैं फिर उसने गए ना स्वयं देखा, जब महाराज ने उसको दंड नहीं दिया, बोले तुम वापस चली जाओ, हैं इसलिए क्या मतलब है, उसको याद है बोले भगवान में भगवान भजन करता था कुछ दिन, हरिनाम करता था, हाँ इसकी इतने फल है, जब महाराज भी दंड नहीं दिए वापस भेज दिए, फिर कुछ दिन जिंदा रहा। फिर प्रभुपाद ने स्वप्न दिया, फिर उसने भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज से बहुत दिन से दीक्षा मंत्र सब छोड़ दिया था, हैं जब फिर माधव महाराज से स्वप्न दे करके फिर उनसे उन्होंने दो बार उन्होंने दीक्षा मंत्र को प्राप्त किया, फिर दीक्षा मंत्र करते हुए मंदिर में रहे भजन किया, फिर उन्होंने ठाकुर के पास में गए। इसलिए जो भगवान के लिए विष्णु कृत्या बोले भगवान के लिए जो नाम कीर्तन भजन करते ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये कब सब समय ये संचय रहता है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बच्चा गुरु दर्श कृपा सिंधु भाई बच्चा रत्ता नाम पावने भो वैष्णव। हमारे श्री गौर गोविंद महाराज नाम सुनेंगे, ये जब उड़ीसा में प्रचार के लिए जाते थे ना, जहाँ जाते थे एक ही कथा सुनाते थे, और जहाँ जाते थे यही कथा सुनाते थे, क्योंकि इसको सुन करके ना लोग को अंदर में, पहले तो लोग धार्मिक बहुत ज़्यादा होते थे, इसको सुन कर अरे पाप कर्म करके नर्क जाना पड़ेगा, काय मना वाक्य से जाते हैं, अरे भगवान के नाम में कितने शक्ति है, बेटा का नाम नारायण रख दिया धार हो गया, इसको सुन करके ना लोग अंदर में भावना जागृत होता था, नहीं भगवान के नाम जप करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए भगवान की। इसलिए अक्सर करके ये यही कथा को सब गाँव गाँव में प्रचार करते थे, उड़ीसा में प्रचार करते थे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे।